हेलो फ्रेंड्स, ऑल ऑफ यू आर वेलकम एट द एमसीजी एकेडमी ग्वालियर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को एक्सरसाइज 1.2 करवाने वाला हूं। इससे पहली वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को 1.1 करवाया था और समझाया था। और दोस्तों, यदि आपको उसमें कोई भी परेशानी आई हो तो आप लोग, मैंने बताया था कि आप संडे कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी कमेंट पेश कर सकते हैं, तो मैं आप लोगों को जो है क्वेश्चन सॉर्ट आउट करवाऊंगा। इसके साथ ही आपको आज मैं 1.2 करवाने वाला हूं, तो आप लोगों को 1.2 में क्या दिया गया है, इसी के साथ मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। आप लोगों को शुरुआत करने से पहले मैं बताना चाहूंगा फिर से, आप ही लोगों की मैथ्स की बुक यहाँ पर यूज की जाती है, कोई भी अदर सॉल्यूशन नहीं बताया जाता। जो बुक्स आप यूज करते हैं उन्हीं को हम सॉर्ट आउट करवाते हैं। और इस चैनल पर आपको सारे एकेडमिक क्लासेस 6, 7, 8, 9, 10 मैथ मिलेगा, साइंस मिलेगा, सोशल साइंस, इंग्लिश, सब कुछ आप लोगों को मिलेगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, अपने साथियों को जरूर बता देना है। तो आइए शुरुआत करते हैं। आप लोगों से कहता क्या है, अगला जो 1.2 एक्सरसाइज है, तो इसमें आपको थोड़ा सा इंट्रो देना चाहूंगा। आप लोगों को करना क्या है, इसमें जो आप लोगों से पूछा गया है, मेन जो आप लोगों से पूछा गया है कि आप लोगों को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन दर्शाना है जो आप लोग रैशनल नंबर्स का। तो आइए थोड़ा नंबर लाइन के बारे में परिचित करवाता हूँ। नंबर लाइन पर जो हमें दिए रहते हैं, ये मैंने आप लोगों के लिए लिख दिया है, ये आप लोगों की नंबर लाइन है। अब यहाँ पर सबसे पहले यदि हम नेचुरल नंबर में प्राकृतिक संख्याओं यदि रिप्रेजेंटेटिव करने की कोशिश करते हैं, तो शुरुआत करते हैं नेचुरल नंबर से। तो नेचुरल नंबर को कितना होता है, 1 से जो डिजिट शुरू होते हैं और इन्फिनिटी तक चलते हैं, मीन्स 1, 2, 3, 4, 5 एंड इस प्रकार इन्फिनिटी तक चलेंगे। ये कौन सी हो गई, नेचुरल नंबर वाली। कौन सी, नेचुरल मीन्स प्राकृतिक संख्याओं वाली। इसी प्रकार मैं आपको बताना चाहूंगा पूर्ण संख्याओं को। यदि नेचुरल नंबर में 0 ऐड हो जाता है, मीन्स यहां से आप लोगों की ये शुरुआत होता है, तो ये 1 दिया गया, ये 2, ये 3 और ये आप लोगों का 4 दिया गया। इस प्रकार से ये इन्फिनिटी तक चलता है, तो ये आप लोगों का होल नंबर, मीन्स ये बात करते हैं होल नंबर, या इन्हें हम पूर्ण संख्याएं भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्ण संख्याएं। अब इसी के साथ ही आपको सीधा लेकर के चलता हूं आप लोगों की प्राकृत संख्याओं पर। प्राकृत संख्याओं को नंबर लाइन तक किस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं, तो आइए लेकर के चलता हूं। ये थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा समझाना चाहूंगा, क्योंकि जब कभी भी हम एक्सरसाइज कोई भी काम करते हैं, थोड़ा वो रिहर्सल करना पड़ता है, उसके बारे में जानकारी होना आवश्यक है, इसके लिए हम इसको शुरुआत कर रहे हैं। अब इसके हमें क्या है, परिमेय संख्याओं पर आते हैं। तो ये आपकी ये नंबर लाइन दी गई है। अब आप लोगों को बोला गया है कि आप 1/4 1/2 ले लिए, छोटा सा लिया है 1/2। आप लोग देख रहा है पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, तो हम इसको यहां मान लिया कि आपका 0 है। अब 1/2 मीन्स आप लोगों को क्या करना है, 1 जो आप लोगों का नीचे वाला है, पहले तो आपको ऊपर देखना है। ये इसमें यदि पूरा आप डिवाइड हो गए, इसमें आप यदि इसमें पूरा डिवाइड देते हो, क्या 2 से बार में डिवाइड हो गए, एक बार भी पूरा जाएगा, नहीं जा रहा है ना, मीन्स 1 के अंदर ही समाहित हो जाएगा, हो जाएगा कि हो जाएगा। तो आप लोगों को पहले 1 लेना है इस नंबर लाइन पर, और नीचे जितना भी लिखा है, मीन्स डिनोमिनेटर में या हर में जितना भी लिखा है, उस 1 के हमें उतने ही बराबर हिस्से कर देने हैं, बराबर टोटली इक्वल पार्ट उसको होना चाहिए। 2 दिया गया है तो इसके 2 बराबर हिस्से हो गए, हो गया। अब इसको 1/2 को करना है, तो ये होगा आपका 1/2 होगा, ये होगा आपका 2/2, मीन्स इसको यदि कट करते तो ये होगा आपका 1, जैसा कि आपको ऑलरेडी पता है, ये होगा आपका 1/2। ओके, मैं एक और थोड़ा सा अंक है, छोटा सा अंक एक और लेकर बताता हूँ, इस प्रकार से थोड़ा सा एग्जाम्पल चल रहे हैं अभी आपको। यदि मान लीजिए 5/4 को आपको रिप्रेजेंट करना है, 5/4, ओके। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप देखिए, यदि आप इसमें डिवाइड देते हो तो ये 1 टाइम को कटता है ना, 1 टाइम कटता है, देन आप लोगों का 1 बचता है, 1/4 होता है, मीन्स आपका 1 तो कम्प्लीट होता है, मीन्स 1 तो आपको चलना ही है, और दूसरे में जाने से पहले 1/4 दूसरे का 1/4 आपको चलना है, तो मीन्स ये आपका 0 हो गया। अब 1 तो आपको कम्प्लीटली चलना ही, तो ये चले गए। अब बात करते हैं दूसरे की, 1 तो आपको चलना ही था, अब बात करते हैं दूसरे की, दूसरे में क्या है, 1/4 हिस्से पे जाना है, तो इसको 4 बराबर हिस्से करने पड़ेंगे, कितने, 4, तो 1, 2 और 3, ये आपके 4 बराबर हिस्से हो चुके हैं। अब आपको 1/4 में, तो पहला वाला होगा आपका 1/4, दूसरा वाला होगा आपका 2/4, तीसरा वाला होगा 3/4 और ये होगा आपका 4/4, मीन्स ये हो जाएगा आपका 2 की यदि बात करते हैं, तो इसके लिए तो ये 1 ही होगा ना, यदि आपको इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, तो 1/4 की बात हो रही है, तो इसके लिए ये 1/4 होगा, तो मीन्स ये वाला जो आपका आएगा कितना, 5/4 की आपका 5/4 यहाँ आने वाला है। ये आपको समझ में आ चुका है, आई होप आपको यहाँ पर कोई परेशानी नहीं होगी, और फिर भी कोई परेशानी होती है तो आइए आपको एक्सरसाइज को लेकर के चलता हूँ। एक्सरसाइज आप लोगों से क्या कहती है, एक्सरसाइज आप लोग निकाल लीजिएगा। आप लोगों को इस सवाल आप फिर से बोलना चाहूंगा, मेरी क्लास में आने से पहले मैं पेन कॉपी निकाल के बैठना होगा,
तभी आप लोगों का पढ़ाई में मन लग सकता है, अदरवाइज आपका कुछ नहीं हो सकता। इसलिए आप लोग मेरी क्लास में आप लोगों को रेगुलर शेड्यूल जो है बता दिया जाएगा। आप लोगों की 8 क्लास की क्लास कितने बजे रेगुलर लगी, 8, 9, 10 और आप लोगों का 6, 7, जल्द से जल्द आप लोगों सारा एकेडमिक आप लोगों को इसी चैनल पर कंप्लीट करवाने वाला हूँ। तो शुरुआत करते हैं आप लोगों का एक्सरसाइज में दिया गया पहला जो आप लोगों का क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दिया गया है आप लोगों का नंबर 9 पर रिप्रेजेंट करने का ही है। तो पहला क्वेश्चन कहाँ है ये रहा आप लोगों का, दिया गया है निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर, मीन्स रिप्रेजेंट दिस नंबर ऑन द नंबर लाइंस। आपका पहला जो सवाल दिया गया है, पहला जो क्वेश्चन दिया गया है 7/4 को हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो आप इसको देख सकते हो, आप यदि 4 से 7 में डिवाइड करोगे तो वन टाइम तो आपका जाना बनता है। अब आपका क्या बनेगा 3/4 बचेगा, क्या बचता है 3/4 बचता है। तो अभी जैसा कि मैंने आपको 5/4 का एग्जांपल दिया था, इसी प्रकार से इसको सॉल्व करते जाते हैं। तो मैं आपको नंबर लाइन खींच करके दिखाता हूँ, ये रही आप लोगों की, ये रहा आप लोगों का 0 और आपका 1 टाइम तो जाना ही है, तो ये आपका 1 टाइम चला गया। नेक्स्ट आप लोगों का चलते हैं इधर, और इसका आपको मैंने क्या बताया था डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मीन हर में जो भी होते हैं उतने ही बराबर पार्ट करने हैं। 1, 2, 3, 4 पार्ट इसके बराबर हो चुके हैं। अब आपको 3/4 पर जाना है, तो ये होगा इसके लिए 1/4, ये होगा इसके लिए 2/4, ये होगा इसके लिए 3/4 होगा। तो 3/4 मींस आपका यदि 7/4 की बात की जाए तो आपका यहां आने वाला है, कहां आने वाला है यहां पर, ये आपका 7/4 नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हो चुका है। आपको नंबर लाइन को अच्छे से सजाना है, हर एक चीज लिखना है कि यहाँ पर 1 था, यहाँ पर 2 था, और सब कुछ आप लोगों को एकदम जिस प्रकार से आपको एग्जामिनर देख के आपको नंबर काट ना सके इस प्रकार से आपको रिप्रेजेंट करना है। आगे आपका अगला जो क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों से क्या कहता है, माइनस का 5/6 आप लोगों से 5/6 इसको प्रेजेंट करने को बोला है, इसमें इसको भी प्रेजेंट किए देते हैं, देखना जरूर कि आप लोगों का कितना आ रहा है, क्या कैमरा में आ रहा है सर। तो इसको अपन शूट करते हैं, इसके बाद आप लोग देखना इससे यदि इसमें डिवाइड देते हैं, एक तो पहले से ये माइनस में बैठ रखा है, और उसके बाद ये अपन से बात कर रहा है कि एक बार भी पूरा भाग नहीं जा रहा है। तो मैं आपको थोड़ा सा सुंदर सा बना दूं, आपको अच्छा सा दिखना चाहिए, 5/6 पहले तो इसमें भाग देंगे तो भाग भी नहीं जा रहा है, सबसे बड़ी परेशानी। तो इसको हम सॉर्ट आउट कैसे करते हैं, वेरी इजी, 0 ऊपर से नेगेटिव है तो इधर को चलना है इस बार। अब आपका डिनोमिनेटर कितना दिया गया 6, तो 6 बराबर पार्ट में आपको करना है, 6 बराबर पार्ट में 1, 2, 3, 4, 5 6 बराबर पार्ट इसको हो चुके हैं। अब अपन से बात करें माइनस का 5/6, तो ये होगा माइनस का 1/6, ये होगा माइनस का 2/6, ये होगा 3/6 माइनस का, ये होगा 4/6 माइनस का, और ये होगा आपका 5/6 होगा माइनस का, ये होगा आपका 6/6। तो ये करता है तो माइनस का बना जाएगा यहाँ पर, ये आपका ऑलरेडी मैंने आपको 1 प्रेजेंट करते ही बताया था, आपको प्रेजेंट करना है माइनस का 5/6। तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पर, ये आ चुका है आपका माइनस का 5/6। कोई भी परेशानी आप लोगों को नहीं होना चाहिए बच्चा, इसको अपन पहला वाला सवाल जो है आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है। ओके आइए अगले और आगे की ओर चलते हैं आप लोगों का पहला क्वेश्चन है, आप लोगों को परेशानी नहीं होना चाहिए, आगे की ओर लेकर के चलता हूं आप लोगों का। अगला जो क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन आप लोगों से क्या कहता है दोस्तों, बस अपने फ्रेंड्स को जरूर बता देना कि चल क्या रहा है इस चैनल पर, आपकी हेल्प की जा रही है सीधे सीधे। कोई भी परेशानी आप लोगों को हो तो सीधा आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हो, आप लोगों को बहुत सी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। परीक्षा के समय की यदि बात की जाए तो बोर्ड क्लासों के एग्जाम के लिए स्पेशल क्लासेस लेकर के आएंगे, आप लोगों की जब भी परीक्षाएं होंगी आप लोगों के लिए स्पेशल क्लासेस लेकर के आएंगे। इसी के साथ ही साथ आप लोगों का पूरा जो भी चैप्टर वाइज कोर्स है सब कुछ आपको घर बैठे कम्प्लीट करवाया जाएगा। ओके तो आइए सेकंड वाला क्वेश्चन आप लोगों से क्या कहता है, सेकंड क्वेश्चन जो आप लोगों का दिया गया है, क्या दिया गया क्वेश्चन आप लोगों का, रिप्रेजेंट -2/11 एंड -5/11 एंड -9/11 ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पर आप सभी को इनको प्रेजेंट करना है, क्या दिया गया है माइनस का 2/11 -2/11 एंड -5/11 और दिया गया है -9/11। इसको आपको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। ओके नंबर लाइन पर इसको रिप्रेजेंट करना है तो आपको सबसे पहले तो देखना है, आपकी एक्सरसाइज में छोटा सा क्वेश्चन दिया गया है तो मैं इसको सॉल्व करवा देता हूँ, लेकिन यदि आपको अलग से क्वेश्चन देता अलग अलग होते हैं तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इनका जो है एलसीएम लेना है। यहां पर तो आपका सरल दिया गया, मैं आपको हाल सॉल्व करके बताता हूँ, इसको पहले इसको सॉल्व करता हूँ। ये रहा आप लोगों की नंबर लाइन, सबसे पहले हमसे बात कर रहा है माइनस, आप किसी भी संख्या में भाग देके देख लीजिए, कोई भी एक से ऊपर जा रहा है ये, इसमें भाग देंगे 2 में भाग देंगे 11 से, क्या डिवाइड देने पर हमको आ रहा है कि 1 भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, जैसे छोटी है सारी सारी 11 से छोटी है ना, तो ये इसमें एक भी बार भाग नहीं जा सकता। तो इसके लिए हम क्या करना होगा, हम नंबर लाइन जैसे रिप्रेजेंट करते हैं 0 और यहाँ मान लिया 1 है, 11 है तो 11 बराबर पार्ट में 1, 2, 3, 4,
फाइव सिक्स सेवन एट और ज्यादा हो गया नाइन और टेन, ये आपका टोटल मान लिया, ये है आपका पहला वाला अंक। ओके, अभी आप लोगों से बात कर रहे हैं इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, तो जैसा कि आप लोग पता है कि इधर को माइनस होता है इधर को प्लस होता है, तो आपको कहला माइनस टू अपॉन इलेवन, तो ये माइनस का वन अपॉन इलेवन हुआ, ये हुआ आपका माइनस का टू अपॉन इलेवन, माइनस का टू अपॉन इलेवन। अब बात करते हैं माइनस का फाइव अपॉन इलेवन दिया गया है, तो ये टू हो गया, ये थ्री होगा, ये फोर हो गया, और ये होगा आपका माइनस का फाइव अपॉन इलेवन, माइनस का फाइव अपॉन इलेवन होगा। इसी के साथ बात करते हैं नाइन अपॉन इलेवन की, तो ये होगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड नाइन, ये होगा आपका माइनस का नाइन अपॉन इलेवन। अब आप लोगों को ये सवाल सॉर्ट आउट हो चुका है। मैं आप लोगों को बता रहा था यदि क्वेश्चन, ये तो आपका क्या है कि इसमें सेम जो डिनोमिनेटर थे सेम थे, लेकिन यदि मैं इसमें डिनोमिनेटर डिफरेंट डिफरेंट होते तब आप क्या करते, तो सबसे पहले आप लोग क्या करना पड़ता, जो डिनोमिनेटर जो दिए गए हैं मीन हर जो दिया गया है इसका आपको एलसीएम लेना पड़ता है। एलसीएम इसलिए लेना पड़ता क्योंकि तभी तो आप उस संख्या को डिफाइन कर पाओ किस नंबर को कहां रिप्रेजेंट करना, अलग अलग होता तो आप कर तो सकते थे, लेकिन आप लोगों का सवाल एक ही बार में सॉर्ट आउट होने में आप ही लोगों को परेशानी आती है, ऐसा कोई बात नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपका सीधा यदि अलग अलग होता ये फाइव होता ये टू होता तो इसको कर सकते थे, लेकिन यदि आपको एक जैसा करना है तो इससे आपको सुविधा होगी। और यहां तक कि आपका सवाल सॉल्व हो चुका है आपको कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, फिर भी जो कुछ बच्चे का एक्स्ट्रा फट वाले होते हैं जो एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो उन लोगों के लिए मैं थोड़ा एक्स्ट्रा बता के चलता हूँ। सभी को देख के चलना होता है, किसी का दिमाग विकसित हो रहा है, किसी का हो चुका है, जिनका हो चुका है वो इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, जिनका हो रहा है वो तो अपने सवाल में ही ध्यान दें, बहुत अच्छी बात होगी। इसी के साथ आप लोगों को अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, राइट फाइव रैशनल नंबर विच आर स्मॉलर देन टू, मीन ऐसी पांच परिमेय संख्याएं लिखिए जो दो से छोटी हो। परिमेय संख्या क्या होता है, दो से छोटी होना चाहिए, सबसे पहली बात उन्होंने बोला है दो से छोटी होना चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि दो से छोटी परिमेय संख्या में परिमेय संख्या क्या होता है, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होना चाहिए। अगर यदि टू में वन से डिवाइड देते हैं तो टू ही आएगा, ये छोटी नहीं हो रही है, लेकिन यदि इसमें टू से डिवाइड देते हैं तो ये वन आएगा, ये टू से छोटी हो रही है, टू बाई थ्री जो है वो टू से छोटी है कि नहीं, टू बाई फोर जो है वो मीन हाफ हो जाएगा, नीचे टू बाई थ्री रहेगा, ये वन बाई टू हो जाएगा कटने के बाद, तो ये इसे छोटा है कि नहीं। मीन आपकी कोई भी संख्या हो सकती है, ऐसा आप लोग फोकस नहीं करना कि आप लोगों की आंसर की ये मैच नहीं हो रहा है। ओके, तो इसमें तो आप कोई सा भी दे सकते हो कि उसने सीधा सीधा बोला उसे छोटा होना चाहिए, तो छोटा आप लोगों का है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है आप लोगों का, क्वेश्चन आप लोगों से कहता है माइनस टू बाई फाइव एंड फाइंड टेन रैशनल नंबर बिटवीन माइनस टू पॉइंट फाइव एंड वन बाई टू, आपको टेन रैशनल नंबर फाइंड करना है, किसके बीच में दिया गया है माइनस का टू पॉइंट फाइव एंड वन बाई टू, माइनस का टू पॉइंट फाइव और वन बाई टू के बीच में दस परिमेय संख्याएं आप लोगों को याद करना है, दस परिमेय संख्याएं दोस्तों जो आप लोग याद करना है। तो दो आपके दिए गए क्वेश्चन क्या है, मैं एक बार और बोलता हूँ, चौदह नंबर का क्वेश्चन चला है, फोर्थ नंबर का माइनस टू अपॉइंट फाइव एंड आप लोगों का दिया गया है क्या वन बाई टू, माइनस टू पॉइंट फाइव एंड वन बाई टू के बीच में आप लोगों को कितनी परिमेय संख्या याद करिए, दस। अब आपको क्या करनी है, दस परिमेय संख्याएं, तो आप लोगों को एक बात मैं बता दूं, थोड़ा सा एक एग्जाम्पल भी थोड़ा इसको क्वेश्चन का भी ध्यान ना दे, थोड़ा सा मैं आपको बेसिक क्या है, मैं आपको एक एक चीज क्लियर करवाऊंगा, छोटी से छोटी चीज से बड़ी चीज के ऊपर लेकर के चलूंगा। जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे दिया गया वन और थ्री के बीच परिमेय संख्या की बात की जाए, इसके बीच दो संख्याएं, थ्री की संख्या दो है और ये परिमेय संख्या आप लोगों को एक्चुअल पता है, वन से फोर के बीच में बात की जाए टू एंड थ्री आता है, ये भी परिमेय संख्या है बिल्कुल है, क्योंकि हर संख्या परिमेय संख्या होगी, अपन वन लगा दी परिमेय संख्या हो जाएगी। ओके, अब बात करते हैं माइनस का वन एंड सिक्स के बारे में, तो इसके माइनस के वन की बात क्या आएगा, आप लोगों का जीरो वन टू थ्री फोर एंड फाइव आ गया, कोई दिक्कत ही नहीं, ये आपको कोई परेशानी नहीं होगी जो मैं समझा रहा हूँ। अब इसी के साथ ही अगर बात करते हैं यदि वन बाई टू और आपका दिया गया थ्री बाई टू, ये दिया गया, अब इसके बीच में दस परिमेय संख्या याद करनी है, तो देखो आप इसको कर दिए दस बाई सीधे दस दस का जीरो बड़ा कर दिए, कोई दिक्कत ही नहीं है, तो सब जगह जीरो लगाया, इससे कोई परेशानी होने वाली नहीं, जीरो से जीरो आप काट भी सकते हो, तो हम जब काट सकते हैं तो ऐड क्यों नहीं कर सकते, जब हम इसको हटा सकते हैं तो जोड़ भी सकते हैं, इस जीरो का भी कभी आपका मन होता है जीरो काट देते हैं, आज हमारा मन हो रहा है जोड़ने का, सबने जोड़ दिया। अब बात करते हैं टेन टू ट्वेंटी, आप लोगों का डिनोमिनेटर स्ट्रॉन्ग सेम है, आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप लोगों की यही होती है कि आपको डिनोमिनेटर सेम रखना होता है, आप लोगों को देखना होता है डिनोमिनेटर सेम है या नहीं है, तो ये आप लोगों को देखने को मिल रहा है डिनोमिनेटर सेम हो चुका है। अब आप 10 से 30 के बीच में आराम से 10 परमिशन यानी 20 लिख सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसी प्रकार अब मैं आप लोग आपके क्वेश्चन भी लौटा के ले चलता हूँ, क्वेश्चन आप लोगों से क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है आप लोगों से माइनस का टू अपॉन फाइव एंड दिया गया वन बाई टू, इसके बीच में हमें 10 परमिशन याद करनी है, 10 रैशनल नंबर आपको याद करना है,
तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसका इसका एलसीएम लेना होगा। टू और फाइव का यदि हम एलसीएम लेते हैं, मैं आपको एक एक चीज क्लियर करवाऊंगा। टू और फाइव का एलसीएम यदि आप लेते हो तो टू बन जा टू एंड फाइव एंड फाइव बन जा फाइव एंड वन एंड वन, तो मीन्स आपका एलसीएम आएगा टेन, कितना आएगा टेन। यदि टेन आपका एलसीएम आता है तो हमारा एक ही टारगेट है, डिनोमिनेटर जो हर जो होता है ना इसको हमको टेन बनाना है। तो मीन्स माइनस का टू बाई फाइव, इसको यदि टेन बनाना है तो उसका टू का मल्टीप्लाई नीचे टू का ऊपर, और ये हो जाएगा माइनस का फोर अपॉन टेन। और इसकी बात करें यदि तो वन बाई टू, इसमें फाइव का मल्टीप्लाई करेंगे, टेन करना है। हमारा टारगेट क्या है, जो हमारा एलसीएम आया उस वो उसका डिनोमिनेटर होना चाहिए, तो ये हो जाएगा फाइव बाई टेन हो जाएगा। अब हमारा टारगेट ये है कि माइनस का फोर बाई टेन, माइनस का फोर बाई टेन और रहेगा फाइव बाई टेन के बीच में हमें दस परमिशन क्या करना है, कितनी परमिशन क्या करना है, दस। ये आंसर आपको समझ में आई हो, कोई परेशानी आप लोगों को नहीं होगी। अब इसको हम शुरुआत करते हैं, चार बटे नौ सॉरी चार बटे दस माइनस को दीजिएगा, इसके बीच में दस परमिशन क्या जाते हैं, क्या इतने से आपका काम हो रहा है। चार से पांच के बीच में यदि आप जाओगे तो ये आप लोगों के लिए टोटल दस एकदम इनके बीच में फाइंड करना है तो नहीं हो पा रहा, कोई दिक्कत नहीं। एक जीरो यहाँ, एक जीरो यहाँ, एक जीरो इधर, एक जीरो इधर, अब तो आसानी से हो सकती है। अब तो दस के आराम से पचास हो सकती है, इनके बीच में जो भी संख्या है, बीच में जितनी संख्या है सारी सारी भर में होगी, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। इसकी बात करें इसको लिख सकते हैं माइनस का 39/100, कोई सी भी लिख दीजिए आपको, माइनस का 38/100 और माइनस का 37/100, जो आपको पसंद आ रही है। ज्यादा पसंद नहीं आ रही इधर की लिख दो, कि आप 50 बटे 100 मीन्स 1/2 की और बात चल रही है, आपको 50 पर ही फोकस करना है, तो आप लिख सकते हो कि जो सी भी पसंद आ रही, क्रम से लिखना है क्रम से लिख दो, नहीं तो आपको इधर से लग रहा है 41/100, जो अच्छी लग रही वो लिख दीजिए 42/100, बस आपको इनके अंदर बजट में होना चाहिए इतना। तो आपको समझ में आ रहा है ना कि माइनस है ये प्लस है, जब माइनस से प्लस की ओर जाते हैं तो घटती जाती है संख्या, इधर की ओर बढ़ती जाती है, इधर की संख्या घटती जाती है। नीचे इधर की ओर अपन आते हैं तो 6, 5, 4, 3, 2, 1 और फिर जीरो में आता जाता है, और इधर से बढ़ती जाती है, माइनस का 6, माइनस का 5, माइनस का 4, माइनस का 2, इस प्रकार से माइनस वाली संख्या जितनी छोटी है चलो जितनी बड़ी होती है। बात करें यदि माइनस का 1 दिया गया है, माइनस का 1 और माइनस का 5 दिया गया है, तो बड़ा होगा माइनस का 1, क्या होगा माइनस का 1, माइनस वाली संख्या जितनी छोटी होती है चलो उतनी बड़ी होती है। तो यही बात पे आपको फोकस करना है, दस पर भी संख्या लिखनी नहीं है तो आप कोई सी लिख दीजिए नो प्रॉब्लम, 42/100, 43/100, जो अभी आपको पसंद आ रही है, क्योंकि बीच में है ना आपको टारगेट दिया गया इन दोनों के बीच में, तो इन दोनों के बीच में लिखेंगे, कोई भी बार्गेनिंग हम नहीं फैलाने वाले हैं। तो 44 हो गया, 45/100 हो गया, और ये 40/100 हो गया, और ये हो गया आपका 47/100, क्या आपके 10 हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 पर संख्या ये रही। और बाकी परमी संख्या तो आप इनके बीच में कितने लगभग 70, 80 और 90 के बीच में परमी संख्या नहीं मिली। ये आप लोगों का आंसर हो गया, ये क्वेश्चन ऐसे हैं, एक्चुअल आंसर की इनमें आवश्यकता नहीं है, फिर से बोल रहा हूँ आप लोग ये बोलो हमारी आंसर शीट में तो ये आ रहा है। दोस्तों बच्चा आंसर शीट पे आपको फोकस नहीं करना है, आप लोगों को चीजें समझनी है, आंसर शीट पे फोकस नहीं करना है, फिर से बोल रहा हूँ चीजें समझनी, इनके बीच में कितनी भी हो सकती है कि नहीं, तो आप लोगों को सारी की सारी आना चाहिए। मैं तो आप लोगों को एकदम सर्वज्ञ बनाना चाहता हूँ, कोई भी चीज छूटने ना पाए, ओके। तो आगे मैं आपको अगला ले जाना चाहूंगा, कोई परेशानी हो तो आगे मैं ले जाना चाहूंगा आप लोगों को। अगला जो क्वेश्चन आप लोगों का है, क्वेश्चन आप लोगों से क्या कहता है, इनके बीच में जो आपका 5th नंबर का क्वेश्चन दिया गया, क्या कहता है, 2/3 और 4/5, इनके बीच में जो सारी की सारी संख्या दी है, पांच पांच परमी संख्याएं ज्ञात कीजिए। सेम कंडीशन जैसे कि मैंने आपको बताया, एक बार और बता देता हूँ, ज्यादा हो रहा है तो आप लोगों को ज्यादा संडे कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए फिर भी आ रहे। सेम कंडीशन है जैसे कि इसमें फोर्थ वाले क्वेश्चन आप लोग 10 परमी संख्या क्या करने को कहा था, इसी प्रकार आप लोगों को 5th वाले क्वेश्चन में भी 5/5 परमी संख्या मीन्स रेशनल नंबर आप लोगों को निकालना है, तो आप लोग आसानी से निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन फिर भी मैं एक क्वेश्चन आप लोग करवा के दिखलाता हूँ, एक आप लोगों ने क्वेश्चन ले लिया, पहला वाला ले लिए, लेते हैं 2/3 एंड आपका दिया गया 4/5, इसके बीच में हमें 5 रेशनल नंबर निकालना है, इनके बीच में हमें 5 रेशनल नंबर हमको निकालना है, कितने 5 रेशनल नंबर हम लोगों को याद करना है, कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होना चाहिए। अब यदि इसको हम सॉल्व करते हैं तो कैसे लगा, फर्स्ट इसका एलसीएम, तो 3 और 5 का यदि एलसीएम लेते हैं तो सीधे सीधे आपको आना चाहिए 1 और 1, मीन्स ये आपका आएगा 15, 15 आप लोगों का एलसीएम आएगा। टारगेट क्या है कि हमें डिनोमिनेटर को 15 बनाना है, कितना 15, 2/3 दिया गया है, इसको 15 बनाने के लिए हम 5 का यहाँ करेंगे तो 5 का यहाँ करेंगे, और ये हो जाएगा आपका 2 × 10, और ये हो जाएगा 3 × 15 हो जाएगा, और ये 4/5 दिया गया, इसका मल्टीप्लाई यदि हम करते हैं तो इसको हम 15 बना 3 करते हैं तो ये हो जाएगा 12/15 हो जाएगा।
कोई दिक्कत नहीं है, आप सीधा भी रख दोगे तो भी आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। मैं आपको फिर से बोलना चाहूंगा, आप डायरेक्ट रख दो फिर भी कोई परेशानी, लेकिन मैं आपको एकदम एकदम एक तरीके से करवाना चाहता हूँ। ये होगा आपका 12/15, ये होगा आपका 10/15। अब आप लोगों को 10-10 बातें से क्या फाइन करना है, सॉरी 5 and 5। तो इसमें आप भले जीरो बढ़ा दीजिए, 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप तो जीरो वाले पर ही फोकस कीजिए, जीरो 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 जीरो। अब हो गया, अब इसके पीछे 10 बातें से क्या कौन सी होंगी, 101/150, 102/150 and 103/150 होगा, 104/150, 105/150। इस प्रकार से होगा, तो इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। ओके, इसी के साथ आप लोगों को अगले जो क्वेश्चन नंबर में लेकर भी चलने वाला हूँ, अगला जो क्वेश्चन आप लोगों से 6 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, आप लोगों को चीजें समझ में आना चाहिए, कोई भी परेशानी आप लोगों को नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से जो रिप्रेजेंट आप लोगों के लिए किया गया है, क्या क्या दिया गया है, वो सब कुछ आप लोगों को फोकस करना है, क्या क्या आप लोगों को दिया गया है, क्या क्या आप लोगों के लिए नहीं दिया गया है। क्वेश्चन को आपको क्वेश्चन की चीजें समझनी है, आप लोगों को इस बात पर फोकस करना है कि गूंज क्या रहा है, आप लोगों से क्या पूछ रहा है, ये आप लोगों को फोकस करना है। 5 परमिशन क्या फाइंड करना है, 5 तो आप लोगों को 5 पर ही फोकस करना है, 10 तो आपको बता चुका हूं किस प्रकार से कितनी भी परमिशन है आप ज्ञात कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं होगी। आगे मैं आपको लेना चाहूंगा -2 से बड़ी, आपका 6 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों से कहता है क्या, तो माइनस के 2 से बड़ी आपको 5 परमिशन ज्ञात करनी है, -2 से बड़ी 5 परमिशन, माइनस के 2 से बड़ी। अब बड़ी जब होंगी तो इधर भी उधर आएंगे, मीन्स एक तो सबसे बड़ी बात हो जाएगी माइनस का 1, 5 बड़ी संख्या तो लगातार लेते ही चलो ना, दिक्कत कहां आ रही है, 2, 3, 4, 5 इतनी भी हो बड़ी में सभी एक लगा दो, ये सारी सारी परमिशन संख्या है कि नहीं, बताओ यहां तक आपको कोई परेशानी होना चाहिए। मैंने आपको पहले बोल चुका जितने भी नंबर है सारे के सारे आपके रैशनल नंबर है, रीजन अपॉन में 1 आपका रैशनल नंबर प्रेजेंट, कोई भी आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आज का आप लोगों का चैप्टर का एंड एक्सरसाइज का लास्ट जो क्वेश्चन है आप लोगों का दिया गया है, क्वेश्चन लगभग आप लोगों के सारे सेम थे, फिर भी आप लोगों को परेशानी है संडे कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए हाजिर है, ऑफलाइन कमेंट कर दीजिएगा, आप लोगों को संडे को उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके, इस प्रकार आप लोगों से क्या कहता है 7 नंबर का क्वेश्चन, आप लोगों को लास्ट जो क्वेश्चन है आज का क्या कह रहा है आप लोगों से, 3/5 और दिया गया है आप लोगों का 3/4, इन दोनों की संख्याओं के बीच में आप लोगों को 10 रैशनल नंबर निकालने, कितने 10। ओके, तो आपको ज्ञात करते हैं, शुरुआत करते हैं, शुरुआत करने के लिए हम सबसे पहले क्या करना होगा आप लोगों को मैंने बताया था, सबसे पहले डिनोमिनेटर इक्वल करना है, डिनोमिनेटर इक्वल करना है 4 और 5 का एलसीएम लेते हैं, 4 एंड 5 का यदि आप एलसीएम लेते हैं तो 4 1 आएगा, अरे आप 2 से ले लीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ये रो 1 and 5 and 5 से लेते हैं तो 1 and 1 मीन्स 5 to 10 यही आएगा आपका 20, कितना आएगा 20 आपका एलसीएम आएगा। देन टारगेट क्या है आप लोगों का, टारगेट आप लोगों डिनोमिनेटर जो आप लोगों का दिया गया है डिनोमिनेटर को कितना 20 बनाना, मीन हर को आप लोगों को 20 बनाना है, तो आपका देगा 3/5 और इसको 20 बनाने के लिए 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ करिएगा 3/4 और इसको 20 बनाने के लिए 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 5 का मल्टीप्लाई करना होगा, देन ये आएगा आपका 12/20 एंड ये आएगा आपका 15/20। अब उन्होंने आपसे क्या बोला है 10 परमिशन की याद करना है, क्या 12 से 15 के बीच में 10 हो जाएंगे, मजाक जैसा हो जाएगा, इसीलिए आपको 1 0 यहाँ 1 0 यहाँ 1 0 यहाँ 1 0 यहाँ, आप कोई परेशानी नहीं है 10 निकालने की बोला थे, आपके पास ऑप्शन है 30 पर की संख्या लिख सकते हो, कोई सी भी आपको बीच में बोला है, जब आपसे यदि बात की जाती है ना कि इससे इस जैसे आपको एक थोड़ा सा एक छोटा सा एग्जाम्पल